घड़ी कम्मा, घड़ी कम्मा हुकुम, बना रहा हूँ। आओ बना रहा हूँ, जी हुकुम, आओ। अच्छा, अरे इधर बैठो, इधर। अरे नहीं ठीक है, अरे उधर नहीं, इधर बैठो गद्दे पे। हुकम दरबार। अच्छा तो आप हैं अनोखी देवी के अंगरक्षक। हुकम भाई, क्या नगीना तराशा है तुमने। अरे हमारी अंगूठी में जड़वा दो, तेरा जीवन संवार देंगे। ये हंस क्यों रहा है? आदत, ये किसी के चौथे पे जाए ना तो ये हंसते हुए रोए। कम गड़ी कम बात। साहब ने कल कार्यक्रम देखा, जानते हो साहब? जी जी हाँ, कल ही तो मिले थे प्रोग्राम में। दीनानाथ जी जैसे लोग, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के एकमात्र नेता, जी जी, इतने प्रभावित हैं अनोखी देवी की कला से, तो जवान छोरों की क्या हालत होती होगी? अरे हजूर, हर रोज एक जवान छोरा बेहोश होके अस्पताल जावे है मैडम की खातिर। सही कह रहा है, मर जाओगे। अरे तो जीना किसको है, मरना तो है, खा पी के मरो। हुकम। अनोखी देवी को लिया जी। हुकम। आ जाएगी, आ जाएगी, कल एमएलए बनेगी, परसों मिनिस्टर बनेगी, और सेक्रेटरी रहेगा तू। अरे बगैर लगाम की घोड़ी है, किसी के काबू में ना आने वाली सर जी। अरे तो हमने भी देसी घी खाया है, पूरे शरीर में समा गया है। अरे घड़ी खम्मा हुजूर, मैं जाऊं। अरे सुनो भाई सेक्रेटरी जी। हुकुम। इसको डब्बा दे दो मिठाई का, छोटा या बड़ा? हुकुम। अभी छोटा दे। देर। देर। फिर बाद में बड़ा, और परसों और बड़ा। अनोखी देवी पे बहुत फिदा हो गए हैं सर जी। लाएगा ना? पकड़ लिया। क्यों बकवास करा है, मैं कोनी मिलूं? थारे ठुमको से तो बाबड़ो हो गए दीनानाथ जी। फ्यूज बल्ब में रोशनी डाल दी तन्ने। अच्छो भड़ो नेता मजड़ू बन के घूम रहे है। अगर राजनीति में एंट्री करनी है तो आप पहली सीट। इसे पकड़ के तू इतनी बुलंदी तक पहुंच सकती है, वहां पहुंच के दुनिया की सारी चीजें तन्ने छोटी छोटी लागे। ये बड़ी गाड़ी, पूरे पब्लिक लोग, बड़े बड़े लोग थारे देखने के लिए जो सर उठे, तो माथे की बड़ी बड़ी इज्जत वाली पगड़ियां थारे कदमों पर गिर जाए। क्या बोलती? अरे राम राम, राम राम। अरे आइए शर्मा जी, क्या हाल है? बस मैडम से मिले? पाए लागू मैडम। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, राजनीति में ऐसा ही होता है, वहाँ बे बजाय किसी न किसी के कोई न कोई पैर पड़ता ही रहता है। अब ये देख देख के इनको भी आदत हो गई है, आदत क्या खून में ही घुल गई है। आप तो घर जावे तो पहले लुगाई के भी पैर पड़े हैं क्यों शर्मा जी? कैसे आना हुआ? साहब ने मैडम के लिए नई गाड़ी भेजी है, और ये कहा है कि मैडम को इसी गाड़ी में बिठा कर लाना। क्या क्या? लो बात कर लो। कर लो बात। जयराम जी की, नेताजी। जयराम जी की। नेताजी ये गाड़ी, ये सारे तोहफे, मेरी आदत को नहीं तोहफे लेन की। अरे मैडम ये तो छोटी सी शुरुआत है। मैं नहीं ले सकती जी। आप हमें अपना ही समझो, आप यहाँ ये बैठ के बातचीत करते हैं, आप तो बस गाड़ी में विराजमान हो जाओ और पहुंच जाओ। अरे वाह 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 अनोखी जी, आज आपका भाषण सुनकर वो बोलते थे भाइयों और बहनों, जनता में सन्नाटा, लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। आपने आज जो भाषण दिया है, मजा आ गया, मजा आ गया, मान गए अनोखी देवी जी आपको, मान गए। गाड़ी गियर में आ गई, आपके रोम रोम में करिश्मा है। मैं चाहता हूं कि आप ये किराए के कमरे को छोड़ के आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाइए, मैं करवाऊंगा, मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर औरत बनाना चाहता हूँ। मैं आपको एमएलए बनाऊंगा, मैं आपको मिनिस्टर बनाऊंगा, मैं आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी दूंगा, आगे पीछे आपके अंगरक्षक होंगे हथियारों से लैस। जब आप अपने दफ्तर से निवास स्थान की तरफ जाएंगी तो सबसे आगे पुलिस की सायरन वाली गाड़ी, पीछे आपकी गाड़ी, उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां, और जब तक आप अपने घर में प्रवेश नहीं करती पूरा शहर ठप, ट्रैफिक जैम। नाउ बॉडी मूव।
था नहीं यकीन है मैं राजनीति में कामयाब हो जाऊंगी। भाई आपके पीछे दीनानाथ है ना, वो दीनानाथ नहीं ये दीनानाथ। चुप रहो यार, मेरे टिकट का क्या हुआ? चुनाव का टिकट क्या रेवड़ी है? बांटते रहो। जो सरपंच है उसको एमएलए बनना है, एमएलए को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। जिसको देखो खुजली हो रही है। मानो कि देवी के टिकट का प्रचार पूरे मार्केट में होने लगा है। मैं तो शुरू से खिलाफ हूँ इस बात के। 10 बार समझाया इस दीनानाथ को, इस अनोखी के चक्कर में मत पड़ मत पड़, लेकिन नहीं, जिद्दी है साला, मानता ही नहीं। जो बात दिमाग में घुस गई बस वही करेगा। अरे कल रात को बोला मैंने कि जब विरोधियों ने लाखन चौधरी को टिकट दिया है तो हमें मुख्तार पहलवान को टिकट देना चाहिए, बस। लेकिन नहीं, लोग ऊपर से सोचते हैं, ये साला नीचे से सोचता है। समझा दे उसे वरना नीचे से उड़ा देंगे। हम सब मिलकर जो गुनाह किए उस गुनाह का गुनहगार बनाकर उसे सलाखों के पीछे रख देंगे। पहले सामने वाली पार्टी को अपना कैंडिडेट तय करने दो, फिर हम अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे। अगर वो किसी भले आदमी को टिकट देते हैं तो हम भी किसी शरीफ आदमी को टिकट देंगे। अगर वो किसी अपराधी को खड़ा करते हैं तो हम भी किसी अपराधी को खड़ा करेंगे। हमारी पार्टी में अपराधियों की कमी नहीं है। निर्दयता से लाखन चौधरी का नाम अनाउंस किया है उन लोगों ने, हमें भी किसी बाहुबली को फिट करना पड़ेगा। और मेरे विचार से मुख्तार मियां इसके लिए करेक्ट कैंडिडेट है। निर्दयता से अनोखी देवी चुनाव लड़ेंगी, उसको हमारा आशीर्वाद है भाई। अरे अनोखी देवी से काम नहीं बनेगा, लाखन चौधरी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। मुख्तार मियां को लाइए। अरे तो अनोखी देवी क्या कमजोर कैंडिडेट है? अरे जहां जाती है क्या भीड़ इकट्ठा करती है, और फिर हमारे पार्टी का इस बार शोर कितना है, साला गधे को खड़ा करेंगे जीत जाएगा। मुख्तार मन बना चुका है अपना चुनाव लड़ने का। अगर आपने टिकट नहीं दिया ना तो फिर विरोधी पार्टी उसे टिकट दे देगी। मसल पावर है बड़ा वाला, सोच के देखो। और रही अनोखी देवी की बात, तो कहीं और से फिट कर देना। उसको फिट करना जरूरी है यार, नहीं तो मुझे फिट कर देगी वो। देख 1 2 3 4 5 नहीं 50 लगा दूंगा, 50-50 फिट के थारे पोस्टर हर गली हर चौराहे पर दिखेगी, तो सिर्फ अनोखी देवी दिखेगी। लोग माथा उठा के थारा पोस्टर देखेंगे, चकर बट्टी खा के वहीं गिर जाएंगे। और कोई कमी हो तो बता दे मन्ने, बना रहा हूं। इसकी कमी रह गई है कबूतर, इसकी पहना दे, चढ़ा दे अगर चाहे तो। ये मुख्तार भाई है, हमारे इलाके के बड़े नामचीन दादा हैं। इनके आशीर्वाद के बगैर कोई मेड़ता से इलेक्शन ना जीत सके। यही कहने आया हूँ कि मेड़ता से इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इको फैसलो तो दीनानाथ करेगा। दीनानाथ जी के हाथ में कोई फैसला नहीं है, ये फैसला हमारे हाथ में। समझा दे अपने मैडम को। मेरे घर में आके मन्ने धमकी दे रहे, बड़ा घमंड है ना तेरे अपनी पावर पे। चल एक काम कर, तू भी निर्दलीय खड़े हो जा, मैं भी निर्दलीय खड़ी हो जाती हूँ। देखते हैं पब्लिक वोट किसको देती है, तेरी पिस्तौल को या मेरे ठुमको को। अनोखी देवी शांत हो जा। अरे क्या शांत हो जा, साला मेरे घर में आके मन्नत धमकी दे। दीनानाथ से कह देना कि मेड़ता से ना लड़ने का फैसला आपकी मैडम ने किया है। एक बात बोलूं अनोखी, अपने इस झमेले में नहीं पड़ना है। मुख्तार के पास दीनानाथ के कई राज छिपे हैं, वो चाहे भी तो भी मुख्तार से बगावत नहीं कर सके हैं। मन्ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, सब कुछ लुटा के खामोशी से को नहीं बैठूं मैं। तू हौसला बढ़ा, मैं सबको लपेट लूंगी। सलामुअलैकुम। आओ आओ मेरे शेर, मेरे बबर शेर, मेरे सिपा सालार, तेरे पास ही आने की सोच रहा था। ये कहने के लिए कि हम इलेक्शन ना लड़े हैं। कैसी बातें करते हो यार, बैठो। अरे जब से तूने फैसला किया लड़ने का, अपोजिशन की फटके हाथ में आ गई है। लेकिन मेरी एक राय है, आप मेड़ता से नहीं अजमेर से लड़ो। अजमेर में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, मेड़ता से लड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यानी हमारा जीतना मुश्किल और तुम्हारी वो बाई नचनिया उसका आसान लग रहा है।
देखो भाई, तुम्हें उसकी गोद में बैठना है तो बेशक बैठो, उसके घाघरे से सिर्फ फूल झड़ेंगे, वोट नहीं। हमने मन बना लिया है कि हम मेड़ता से लड़ेंगे, बस। अरे कहाँ जा रहे हो यार? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? ला भाई चाय लेके आ। अरे भैया जो तुम कहोगे, जहां से कहोगे वहां से लड़ो यार। मुख्तार क्या बात करते हो? अरे कहाँ है तू बनारस? अरे तू रोज सुबह सुबह गायब हो जावे, बैंक में पैसा जमा कराना है कि नहीं? काम से आया। मेड़ता शहर से मुख्तियार खान का नाम घोषित किया गया। केगाना से रामनिवास चौधरी जनसेवा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाकी उम्मीदवारों के नाम बहुत जल्द घोषित किए जाएंगे। अनोखी देवी का फोन है। अबे अनोखी देवी के, तेरे को बोला ना? उसको बोल घर पे नहीं है, फोन घर पे छोड़ गए। वो देख तेरी सेठानी आ गई। मेरी? अरे मेरी तेरी एक ही बात है, जा ठंडा कर उसको जल्दी जा। हाँ गुप्ता जी, ये क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? चल अंदर बैठ कर बात करते हैं। जो बात होगी इधर ही होगी। अरे भाई अंदर की बात बाहर नहीं की जाती, चल अंदर चलते हैं। गुप्ता जी मेरी बात पर विचार करना, इसी में हम दोनों का फायदा है। सोचूंगा। हाँ नहीं, आराम से एकदम शांत हो जा, कोई रास्ता निकालूंगा, ये मेरा वादा है। वादा? वादा निभाने का सिस्टम तो तुम लोगों की बॉडी में है ही नहीं। तू बुलाता है उसको या मैं बाहर जाऊं? लगता है घोड़ी बिदक गई। अरे सेठानी क्यों नाराज हो रही है, हैं? अरे एक ही सीट थोड़ी है, 200 सीटें हैं पूरे प्रदेश में। मेड़ता नहीं तो कहीं और से खड़ा कर दूंगा, और नहीं तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, तू खड़ी हो जाना, मैं बैठ जाऊंगा बस। ए बंद कर अपना ड्रामा, अनोखी घाघरा उतारना जानती है तो धोती उतरवाना भी जानती है। ए बस कर। कहा था आपसे ये खेल मत खेलिए, मत पड़िए घाघरे के चक्कर में। अरे घाघरे की कीमत चुकाई है मैंने, हैं? धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया इसको, सेठानी बना दिया, और कुछ चाहिए तो 20-50 लाख और ले ले। दीनानाथ का दिल बहुत बड़ा है। ए पीछे करो मत दिखा मन्ने, अनोखी अपना घाघरा झटकेगी ना तो तेरे जैसे 40 निकलेंगे। जमान संभाल के बात कर। अरे क्या तू है, तने खुद अपने किस्मत के ताले की चाबी मन्ने दे दी हाथ में। निकल बाहर, निकल बाहर। ए बुड्ढे शक्ल देखी शीशे में, इंसान तो दूर, कुतिया तेरे नजदीक ना भटके। चल हट, सब बात करता है। अबे छोड़, तुझे चाहिए था तुझे मिला, जो तुझे चाहिए था मुझे मिला। चल निकल, शुरू में आई बोलती है मटन बड़ा अच्छा बनाती हूँ, अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। शांत हो जाए। खिलाएगी मुझे, सब खा पी के डकार भी नहीं मार रही अब। शांत हो जाए यार। अरे छोड़ यार, क्या मरवा देगी? कुछ तेरा ही करा धरा। क्या करा था? तने दीनानाथ के गुण गाए थे, तने मिलवाया था, ये है वो है ऐसे है वैसे है, ले ले मजे अब। मन्ने जो कुछ भी किया थारे भले के लिए किया, भले है के लिए किया। जो पूछना दयाल बाबू पूछ। एमएलए की टिकट मिलेगी, लाल बत्ती लगेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी, कहा था कि नहीं? दयाल बाबू ने बोला था ना मारे को, जो भी बात करनी है दयाल बाबू से कर, उन्हीं ने सपने दिखाए थे, उन्हीं ने बोला था। दयाल बाबू आ गए, कहा हुक्म आपने, जान आफत बचा दी हमारी। थारा गुस्सा वाजिब है अनोखी, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे साथ किसी ने चीटिंग की, किसी ने धोखा किया और मन्ने अगर वो मेड़ता की सीट ना मिली तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही है? मैं खुद दीनानाथ को बोल के आया हूं कि उसने तारे साथ बहुत गलत किया। चलो दिखाओ थाने क्या किया उसने, सारी की सारी रासलीला। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर फिल्म तो पूरी बाकी है। मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी किया उसके साथ, साली ब्लैकमेल कर रही है। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इलेक्शन सर पे है, अगर वो सीडी अपोजिशन के हाथ लग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। किसी ना किसी तरह मुझे वो सीडी चाहिए। एक सीडी लेकर क्या होगा, मास्टर तो उसके पास है, 10-20 कॉपी और बना लेगी वो। मुख्तार सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीनानाथ, इसलिए जो बात बिगड़ गई है उसे बनाना ही चाहिए। एक काम करो, मेड़ता सीट से अनोखे देवी का नाम अनाउंस करो। राजस्थान में मुख्तार सिंह की दादागिरी का दबदबा है, जहां से खड़ा करोगे वहीं से जीत जाएगा। अरे मैंने तो कहा था भैया अजमेर से खड़े हो जाओ। ठुक्कर चढ़ने का हमारा आदत नहीं है, नाम हमारा मेड़ता से अनाउंस हुआ है, हम वहीं से खड़ा होगा। अरे तुम्हारा नाम अनाउंस तो कर दिया मेड़ता से भाई, लेकिन अब इस चक्रव्यूह से निकालना तेरा फर्ज बनता है ना। टेंशन नहीं लेने का, जख्म ना शुरू होने से पहले उसका ऑपरेशन करने को हमको आता है।